हॉल के लिए मैंने मंगवाई है इतनी प्यारी प्यारी सी कलरफुल ट्रेंडी ओवरसाइज्ड टी शर्ट्स, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी, और आज इतने ढीले ढाले कपड़ों में बैठी हूँ क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ ओवरसाइज टी शर्ट का हॉल फ्रॉम मीशो। मैंने 10-11 टी शर्ट्स मंगाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा कूल ट्रेंडी प्रिंट की थी और जो आजकल आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। कुछ तो H&M और ज़ारा की कॉपी भी वहाँ लगी हुई थी, मैं क्या बताऊँ, तो मेरा तो मन कर गया और मैं अपने समर एडिशन वाले जो मेरी सीरीज चली रही है उसमें मैं इसको भी फिट कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के अब डिमांड्स भी थी कि लूज फिट टी शर्ट्स का हॉल लेके आओ, क्योंकि आजकल आपको पता ही है गर्मी आ गई, इतनी सड़ी और ढीले ढाले टी शर्ट्स ही पहनने का मन करेगा। तो अभी जो मैंने ढीले ढाले से टी शर्ट्स है मैं ब्लैक कॉम्फी साइकिलिंग शॉर्ट्स के साथ पहनी है। शॉर्ट्स मेरे H&M के हैं और जो ये मेरी टी शर्ट है मैंने बॉन्कर्स से ली थी, आपको मिंत्रा पे मिल जाएगा और इनके अलग से वेबसाइट है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ये पूरी जर्सी वाली है, काफ़ी ढीली है लेकिन मुझे इसका फिट बहुत पसंद है, और मैं इसको वैसे बहुत लॉन्ग सॉक्स के साथ भी वेयर करती हूँ लेकिन अभी मैंने नहीं पहना है, मैं ऐसे ही बहुत कंफर्टेबल होके बैठी हूँ। मैं कहा ये ज़्यादा सही है, जिस चीज़ का हॉल कर रहे हो उसी टाइप के कपड़े पहन के बैठ जाओ, बहुत मज़ा आता है ऐसे। तो चलो बाकी बात करते हैं आज के हॉल की। तो आज के हॉल में जितनी भी टी शर्ट्स होने वाली है वो अंडर 500 रुपीज़ होने वाली है, तो जो हमारा बजट रहने वाला है जो सबसे सस्ती टी शर्ट है लाइक मिनिमम वो हमारी 170 रुपीज़ की है, और जो मैक्सिमम है तो वो हमारी 490 रुपये की है, तो मैंने राउंड फिगर में 500 बोल दिया। आपको इसी बीच में सारी टी शर्ट्स देखने को मिलेंगी, तो मैं बताऊंगी क्या है क्वालिटी, क्या है लेंथ, कैसा है प्रिंट, कैसी दिखाई है, क्या आई है, जेन्युइन है या नहीं है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि मेरे रिव्यूज होंगे ऑनेस्ट और मेरी कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहली टी शर्ट। गाइस जो हमारी पहली टी शर्ट है ना, आप पिक्चर में देखो प्रिंट कितना ज्यादा अच्छा था, फायर मिस। 211 रुपये की ये लूज फिट टी शर्ट है, ओवर साइज टी शर्ट है, बैगी फिट है इसका। अब देखते हैं कैसा इसका प्रिंट आता है, क्योंकि मैंने प्रिंट के चक्कर में ही ये मंगाया और इसमें एक ही सिंगल कलर का ऑप्शन था। और मैंने इस बार क्या किया, मैंने पहले पिछले साल की जितनी भी ओवर साइज टी शर्ट का हॉल किया था फ्रॉम मीशो, तो क्या था कि वो ओवर साइज नहीं आई थी, लिखा तो ओवर साइज था लेकिन इतनी ओवर साइज नहीं थी। तो मैंने अपने लास्ट वाले हॉल में भी कहा था कि प्लीज़ अगर आपको इतना बैगी फिट चाहिए तो साइज अप कर लेना, साइज अप कर लेना, तो वो चीज़ मैंने इस हॉल में बहुत ध्यान में रख के की है। मुझे जिसमें डाउट हो रहा था ना, तो मैंने उसमें ना डबल ट्रिपल साइज मंगाया है, लार्ज भी मंगाया है, तो मैं आपको हर एक टी शर्ट का बताती जाऊंगी कि मैंने किसमें क्या साइज मंगाया है। ये मैंने मीडियम साइज में मंगाई है, पहले मैं खुद देखूं, फैब्रिक तो इसका बहुत स्मूद और बहुत परफेक्ट ओवर साइज मुझे ये लग रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट से, मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, ठीक है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूद है, फैब्रिक की तो मैं बहुत अच्छी तारीफ करूँगी, साइज पूरा अच्छे से अच्छा मैंने मीडियम साइज मंगाया है, बहुत प्रॉपर ओवर साइज आएगा मुझे। अब जो प्रिंट की बात है ना, प्रिंट इज ओके, बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी वाला वो स्मूद वाला प्रिंट होता है ना वो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंट आप देख सकते हो कैसा है। मैं पूरा जूम्ड वर्जन में आपको दिखा रही हूँ, आप पूरा देख पाओ कि इसका प्रिंट कैसा है। थोड़ा सा ना कहीं कहीं से फीका पीछे से कलर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिक वाला प्रिंट नहीं है लेकिन ठीक लग रहा है। 211 रुपये में आपको जो ओवर साइज टी शर्ट मिल रही है ना वो ठीक ही मिल रही है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो दिल्ली वगैरह में कितने सस्ती मिली जाती है, अगर आप वहाँ चले जाओगे सरोजनी वगैरह में भी, तो लेकिन वहाँ पे भी ना जो बहुत ज़्यादा प्रिंट वाली टी शर्ट्स होती है ना वो भी 250-300 की देते हैं, उस हिसाब से 211 रुपये की है, मुझे ठीक लग रही है। बाकी मैं वियर करके पूरा लुक फिट एंड स्टाइल बताती हूँ। गाइस ये मुझे लग रहा है बहुत परफेक्ट ओवर साइज टी शर्ट आई है, बहुत सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, पूरा फिट देख सकते हो कितना अच्छा इसका फिट आ रहा है। मैं इसको जीन्स के ऊपर ही वियर करके दिखा रही हूँ, प्रिंट भी आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। हाँ प्रिंट थोड़ा ओकेइश है, उतना थिक वाला नहीं है, लेकिन जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। स्लीव्स भी देख सकते हो कि मुझे इसकी स्लीव्स ओवर साइज में कहाँ तक आ रही हैं। बैक से भी मैं दिखाऊँ तो बैक से कैसी लग रही है, मैंने ना बस रैंडमली ऐसे फोल्ड करके जीन्स के ऊपर पहन लिया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सारी की सारी टी शर्ट्स का यही वाला फिट आएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक इतना अच्छा है ना कि मतलब मुझे गर्मी नहीं लग रही है इसमें, और पूरा मज़ा आ रहा है। लुक वाइज भी सेम है, हाँ प्रिंट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो इतना ज़्यादा थिक वाला प्रिंट नहीं है लेकिन फिर भी
ये प्रिंट चलेगा इस रेट में, ये फैब्रिक मिल रहा है और ये फिटिंग मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा देख सकते हो ब्लू जीन्स के साथ ही कुछ ऐसा लगने वाला है और मुझे सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वाले टी शर्ट लगा इस मैं तो देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट हमारी टी शर्ट है ये ब्लैक कलर की, आप देख सकते हो कितना अच्छा सा इसमें प्रिंट हुआ हुआ है। ये मुझे पड़ी है 224 रुपीज़ की और इसका भी साइज ना मैंने एम मंगवाया है। अब देखते हैं ये ग्रीन कलर कितना अच्छा आ रहा है, मतलब वो जो लड़की बैठी हुई है ना पोज में आगे मुझे काफ़ी कूल लग रही थी। एम मैंने इसलिए मंगाया कि मुझे परफेक्ट ओवर साइज आए और आप देख सकते हो ये है ये टी शर्ट, ठीक है ओवर साइज तो मुझे लग ही रही है। और इसका जो ये ग्रीन प्रिंट है ना इस चक्कर में मैंने मंगवाया था कि वो चैन पहन के, आप देख सकते हो बहुत पतला फैब्रिक है। अगर मैं इसका पिंक वाले से कंपेयर करूँ तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा पतला है, कलर इसका ब्लैक है ना तो इसलिए पता नहीं चला, लेकिन गर्मियों में ये पतला कपड़ा पहनने में ही मज़ा आएगा, ठीक है इतना सी थ्रू भी नहीं है। और पूरा प्रिंट भी देख सकते हो क्या इसकी लेंथ है, 211 रुपये की, 250 रुपये के हिसाब से 240 की है ना। बाकी जो इसका प्रिंट है ना वो पिंक वाली से प्रिंट से थोड़ा सा मोटा है। अब आप देख सकते हो क्या शाइन है, क्या प्रिंट है, कैसा लग रहा है, सिंपल सा डिसेंट सा जैसा पिक्चर में दिखाया है एग्जैक्टली आई तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। लेकिन मैं पहन के देख लेती हूँ क्या आता है ना ओवर साइज में, क्या चीज़ होती है कि स्लीव्स देख रहे हो आप कहाँ तक आ रही हैं। अब इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्लीव्स की लेंथ उन्होंने दे दी है उतनी ही नॉर्मल, अब देख रही हूँ कि कितना ज़्यादा डाउन शोल्डर में जा रहा है, कहाँ तक इसकी स्लीव जा रही है। तो ओवर साइज में लुक क्या आ रहा है मैं वो भी पहन के बताती हूँ आपको। हाँ अब ये टी शर्ट मुझे उतनी ज़्यादा ओवर साइज नहीं लग रही, आप इसकी स्लीव्स देख सकते हो कहाँ तक आ रही हैं, मतलब ओवर साइज है लेकिन अगर मैं पिंक वाली से कंपेयर करूँ ना तो वो ज़्यादा ओवर साइज थी, लेकिन ये भी अच्छी लग रही है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्रिंट भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है। और मैं आपको बैक से भी दिखाऊँ तो मैंने बस रैंडमली ऐसे करके बस इसको पहन लिया है, स्टाइल दे दिया है, बैक से भी आप पूरा देख सकते हो क्या रहेगा इसका फिट। फैब्रिक इज़ नाइस, मैं थोड़ा सा और लूज फिट चाहती हूँ, अगर आप भी थोड़ा सा और ज़्यादा लूज फिट चाहते हो तो साइज़ अप कर लेना, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ हम मंगवाओगे उतनी ही ज़्यादा बड़ी लूज फिट आपको टी शर्ट मिलेगी। बाकी आप पूरा लुक देख सकते हो, अगर मैं इसे सीधा कर लूँ तो आप देखो ये कैसी है, देखो लूज फिट में भी ना ये मेरी यहाँ से टाइट हो जा रही है। तो मैं बस ये बताना चाहती थी कि बहुत ज़्यादा ढीली होती हैं ओवर साइज टी शर्ट्स, इतने ऐसे टाइट नहीं होती। तो ये मैंने बिल्कुल ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे मोड़ के ऐसा सब वी बना के बस ऐसे टकिंग किया है, वैसे मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, फैब्रिक अच्छा है तो इतना ज़्यादा मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, प्रिंट भी अच्छा है जैसा दिखाया वैसी तो लगी रही है। हाँ उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन चलेगा, इसके लिए भी थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो मेरी टी शर्ट है ना वो तो मैं बहुत ज़्यादा ही करती हूँ ओवर थिंकिंग। बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर है ये, 233 रुपीज़ की थी। अब मुझे ना ये कलर और ये प्रिंट इतना अच्छा लग रहा था तो मैं मुझे रिस्क नहीं लेना था तो मैंने इसको एल साइज़ का मंगाया कि और ज़्यादा बड़ी आएगी मुझे पसंद आएगी तो मुझे इसको रिटर्न नहीं करना, तो मैंने पहले ही एल साइज़ का इसको मंगा लिया है। लेट्स सी क्या फैब्रिक क्वालिटी रहती है और इसका प्रिंट कैसा रहता है। सी आई साइज़ इज़ एल, और मैं पहले आपको दिखा दूँ कि देख सकते हो ये कितनी बड़ी टी शर्ट है, स्लीव्स भी इसकी देख सकते हो आप कैसी इसकी स्लीव्स हैं, फैब्रिक तो अच्छा लग रहा है। और जिसका प्रिंट है ना गाइस ये भी बहुत फाइन वाला प्रिंट है, बहुत पतला वाला प्रिंट नहीं है, अच्छा खासा मोटा प्रिंट है जो बहुत सही लग रहा है मुझे। कलर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया है, प्रिंट आप पास से देख सकते हो, बैक से बिल्कुल प्लेन है, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे ये टी शर्ट। बाकी मैं इसका पूरा वियर करके लुक फिट एंड स्टाइल बताती हूँ, जैसा सोचा है वैसी आई तो ये बहुत अच्छी लगेगी। कलर ना टी शर्ट्स में बहुत पहन के अच्छा लगता है, ब्लैक जीन्स के साथ पहनो, वाइट कार्गोस के साथ पहनो, बहुत सही लगेगा। फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सी थ्रू भी नहीं है, वियर करती हूँ। सी गाइस दिस इज प्रॉपर ओवर साइज फैब्रिक, इतना प्यारा है, पूरा स्लीव से भी देख सकते हो कहाँ तक आ रही है, कितनी ढीली स्लीव है, पूरी ऑल ओवर आप देखो ये पूरी ढीली ही है, मैंने बस ऐसे फोल्ड करके पहना है। ओवर थिंक इस पर लिखा हुआ है, जो मेरी तरह सब लोग ओवर थिंक करते हैं उनके लिए तो परफेक्ट टी शर्ट है। कलर बहुत ही प्यारा है, मतलब ये मुझे कलर की वजह से और प्रिंट की वजह से मैंने लिया है, बैक से भी आप देख सकते हो मैंने ऐसे फोल्ड करके पहना है, क्या इसका फिट आ रहा है, सबसे अच्छा फैब्रिक लग रहा है मुझे तो इसका, लाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ, गर्मियों में पहनने में लिटरली मज़ा आ जाएगा। और लूज फिट आप इसको किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ब्लू टी शर्ट के साथ इसको रैंडमली ऐसे पहन के कहीं भी जा सकती हूँ, दिन भर में पहन सकती हूँ इसको शॉर्ट्स के साथ, इसका इतना अच्छा फैब्रिक लग रहा है मुझे। ये तो भाई 10/10 लगी मुझे, मैं सच बता रही हूँ, जिस प्राइस पर भी ये मिल रही है ना थम्स अप है, ले लो जाके फिर आप भी खुश जाओगे, ओवर थिंक करोगे मेरी तरह।
नेक्स्ट आप सोचोगे कि ये ओवरसाइज टी शर्ट में अब ये क्रॉप टी शर्ट्स कहाँ से आ गई। ये पैक ऑफ फोर था, इसमें ना मैंने एल साइज मंगाया और ये मुझे 390 रुपीज़ की चार टी शर्ट पड़ी है, मतलब 100 रुपये से भी कम की एक टी शर्ट ये मुझे पड़ी है। और इसमें ना ये चारों प्रिंट्स थे, ब्लू, ऑरेंज, पिंक एंड ब्लैक, और चारों मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसमें भी मुझे सेफर साइड पे रहना था तो मैंने एल साइज मंगाया कि मुझे बड़ा ढीला आए। तो देखते हैं, ये पूरी पूरी चारों एक ही पैकेट में आई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चारों रिसीव हुई हैं, वरना तो कई बार क्या होता है दो भेज देते हैं, तीन भेज देते हैं, और सेम कलर जो दिखाए हैं वो ही चारों कलर मुझे रिसीव हुए हैं। मैं फटाफट से एक एक खोल के दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हो एल मंगाया तो मुझे वो परफेक्ट फिट आएगा, जितना ढीला मुझे इन क्रॉप टी शर्ट्स में चाहिए होता है कि अंदर आप कुछ स्पेगडी पहन सकते हो वाइट कलर के और उसके ऊपर ये टी शर्ट डाल सकते हो। जिम वगैरह में भी ऐसे ढीली टी शर्ट्स पहनने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आप देख सकते हो फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, इसका सी थ्रू नहीं है, और जो क्वालिटी है ना प्रिंट की वो आपको खुद ही दिख रही होगी जितनी ये शाइन करेगी। काफ़ी अच्छी थिक प्रिंट की क्वालिटी है, क्रॉप टी शर्ट्स में काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। मतलब आप सोच सकते हो 100 रुपये से भी कम की है ये, 380 में आपको चार मिल रही है। ये तो है ऑरेंज वाली, एंड ये आपको मिल रहा है पिंकिश, अनियन पिंकिश इसका शेड। आप देख सकते हो इसका प्रिंट, बैक से भी आप देख सकते हो द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है ना, बहुत आप देख सकते हो ये बेस्ट वर्जन ऑफ यू में बिल्कुल जो कटिंग हो रखी है प्रिंट की वो कितनी फाइन हो रखी है, मुझे काफ़ी सही लगी। मतलब जैसी मैंने सोची थी ना, जो सोच के मैंने मंगवाया था ना, ये टी शर्ट्स बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल पैसा वसूल है। मुझे लग रहा है इस हॉल की सबसे अच्छी टी शर्ट्स ना यही होने वाली है। आप ये ब्लैक वाला भी देख सकते हो, इसकी सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिटिंग तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, प्रिंट भी बिल्कुल सेम है। आप पास से प्रिंट की क्वालिटी देखो, बहुत सही लग रहा है मेरे को। लास्ट भी खोल के दिखा देती हूँ। ब्लू, इसमें तीन ट्री बने हैं, काफ़ी थिक है यार इनकी प्रिंट की क्वालिटी। देखो एल साइज में ब्लू कलर, तीन पेड़ बने हुए हैं, बैक से ऐसा है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगे, क्विकली वियर करके दिखा देती हूँ, ये तो मतलब बेस्ट है, अभी ही बोल देती हूँ। देख सकते हो ये क्रॉप टी शर्ट कितनी क्रॉप्ड है, क्या इसकी फिटिंग रहेगी। इसीलिए मैंने इसका ये साइज एल मंगाया था, क्योंकि मुझे था कि स्मॉल तो बहुत टाइट होगी, मीडियम में वो फिट नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने एल मंगाया, क्योंकि मुझे इतनी ढीली टी शर्ट चाहिए थी जिसके मतलब ये शोल्डर्स मेरे डाउन जा रहे हो, स्लीव से ढीली हो, तो मैंने एल मंगाया तो मुझे ये वाला फिट मिला। तो आप साइज़ अप कर लेना, और अगर और ज़्यादा बड़ा साइज़ चाहिए तो जितना बड़ा साइज़ लोगे तो उतना लूज ढीली टी शर्ट आएगी। इसके नीचे आप कोई भी ऐसे सैंडो वगैरह वियर कर सकते हो, ठीक है, आप जिम में भी इसको पहन के जा सकते हो, बहुत स्मार्ट लगती हैं ये, कि मतलब आप नीचे कोई सैंडो पहनी, ऊपर पहनी, आप वर्कआउट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब ये बहुत कम्फर्टेबल है। और इसके चार कलर मिल रहे हैं आपको, तो और अच्छी बात है ना, इस प्राइस में आपको चार टी शर्ट मिल रही है। फैब्रिक भी अच्छा है, प्रिंट भी अच्छा है, पूरा बैक से भी दिखा देती हूँ कि कहाँ तक की इसकी लेंथ रहेगी, क्या इसका फिट रहेगा। यार ये मुझे काफ़ी पसंद आई है, तो इसके मैं बाकी कलर भी फटफट आपको पहन के दिखा देती हूँ। वैसे मैं इसको ऑलरेडी दे देती हूँ थम्स अप। इसका ऑरेंज कलर भी आप देख सकते हो, फिटिंग तो बिल्कुल सेम रहेगी, प्रिंट देख सकते हो, कलर बहुत प्यारा लग रहा है, बैक से भी आप देख सकते हो। ब्लू कलर जीन्स पे इतना खिल के आ रहा है ना, ब्लैक पे भी अच्छा लगेगा, वाइट पे भी अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है टी शर्ट। बाकी कलर्स भी मैं इसके दिखाती हूँ। और ये है इसका ब्लैक कलर, इसमें ब्लैक प्रिंट, मैं बैक से भी दिखा देती हूँ। मुझे कलरफुल ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन हाँ एक बेसिक ब्लैक भी मिल रहा है और कलरफुल प्रिंट मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी है। लास्ट एक फोर्थ कलर भी इसका दिखा देती हूँ। और ये है इसका प्रिटी सा पीच पिंकी सा शेड, इसमें पूरा ऐसा वाइट कलर का प्रिंट हो रखा है, फिट आप पूरा देख सकते हो, चारों का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिट है, लेंथ भी बिल्कुल सेम है, बैक से भी आप देख सकते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं चारों के चारों कलर्स, तो चारों को मैं देती हूँ थम्स अप। इस हॉल की सबसे सस्ती टी शर्ट, मतलब लूज फिट में 159 मतलब 160 रुपीज़ की ये टी शर्ट है, वाइट कलर की, जिसमें टॉम एंड जेरी प्रिंट हुआ हुआ था। मुझे प्रिंट इतना क्यूट लग रहा था ना, तो मैंने मंगवाया। अब जब मुझे रिसीव हुआ ना, तो जो टी शर्ट का फैब्रिक यूज़ हुआ है ना, ये बहुत ही गंदा है, और उसके बाद जो प्रिंट है ना वो तो ऊपर बहुत ही चीप प्रिंट है, मुझे लगा 160 रुपये बर्बाद गए। ये वाला प्रिंट है, वो नहीं होता टी शर्ट्स में आप अपनी फ़ोटो प्रिंट करा सकते हो, समझ गए मैं कौन सा फैब्रिक कह रही हूँ। ये जो फोटोग्राफी वाले पूरे शॉप्स वाले लेके बैठे रहते कि आप कोई भी प्रिंट करवा लो, हम आपको 15 मिनट में आधे घंटे में टी शर्ट पर प्रिंट करके दे देंगे, तो ये वही वाली टी शर्ट है, देखो
ऐसी सीधी सी ये टी शर्ट होती है और उस पर यह प्रिंट किया हुआ होता है। पास से जब आप फैब्रिक देखोगे ना समझ जाओगे मैं किस फैब्रिक की बात कर रही हूँ। ये टी शर्ट है, मेरा कसम से इसको वियर करने का मन ही नहीं है। मतलब अभी तक जो टी शर्ट की क्वालिटी फैब्रिक चला था उसके बाद 160 रुपये में ये आया ना तो मेरा दिल ही एकदम खराब हो गया कि छी प्रिंट भी इतना बेकार लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा वो चीज़ समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, लेकिन आप पास से देखो कैसा है ये फैब्रिक, पीछे से आप देखो कैसा है फैब्रिक। मतलब इसमें गर्मी नहीं लगेगी और जिनको इस फैब्रिक से कोई दिक्कत नहीं है ना उनके लिए बिल्कुल ठीक है कि भाई ना कलर कहीं जाएगा ना कुछ कहीं जाएगा, लेकिन मुझे पर्सनली ना ये वाला फैब्रिक नहीं पसंद है। तो इसलिए मेरे ये रिव्यूज़ है, अगर जिनको इस फैब्रिक से कोई दिक्कत नहीं है तो 160 रुपये में ये टी शर्ट बिल्कुल भी बुरी नहीं है। ये मेरी पर्सनल चॉइस वाली चीज़ है जो मैं इतना आपको बोल रही हूँ। और इसमें जो प्रिंट है ना ये बिल्कुल ऊपर से ऐसा जैसे सब चीज़ों में होता है ना प्लास्टिक प्रिंट टाइप का, प्लास्टिक प्रिंट नहीं है ये ना अलग से, इसमें पूरा मर्जिंग हुआ हुआ प्रिंट है अलग से, वो प्लास्टिक टाइप का शाइन नहीं करेगा। जितने अभी मैंने टी शर्ट दिखाई सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ वो प्लास्टिक प्रिंट है, बस वही है। लेकिन फिर भी मैं इसको वियर करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी, देखो कैसा लग रहा है। गाइस फैब्रिक की बात की जाए फैब्रिक में गर्मी तो नहीं लग रही है, स्लीव्स आप देख सकते हो मुझे कहाँ तक आ रही है और मैं 100% श्योर हूँ ये वही वाला फैब्रिक है जिसमें हम वो प्रिंट कराते हैं ना कस्टमाइज करवाते हैं टी शर्ट, कुछ भी आप अपनी फोटो या कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, ये वही वाला फैब्रिक है। ठीक है, काइंड ऑफ ड्राई फिट टाइप का लग रहा है देखने में। और बाकी आप देख सकते हो टॉम एंड जेरी का जो प्रिंट है क्या कलर है कैसा है, बैक से फैब्रिक कैसा है, फ्रंट से फैब्रिक कैसा है और ये कहाँ तक की इसकी लेंथ आ रही है, कैसी ये लग रही है। अब मैं प्राइस के अकॉर्डिंग देखूँ तो गाइज मुझे बुरी तो नहीं लग रही है क्योंकि गर्मी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसमें फैब्रिक स्मूथ भी है, स्टिचिंग भी ठीक है, प्रिंट आप देख सकते हो जैसे आपको प्रिंट मिलेगा वो वैसा है। पहनने की बात तो बुरी नहीं लग रही अगर मैं कंपेयर करूँ जिस प्राइस में मुझे ये मिल रही है, कोई बुराई नहीं है। बस टी शर्ट का मटेरियल थोड़ा अलग है, आप समझ पाओ तो देख के कि कैसा इसका मटेरियल है प्रिंट में कैसा रहेगा, लेकिन ओके ही चला है कि टोटली अप टू यू। अगर आपको इस फैब्रिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गाइस इस टी शर्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस तरीके का प्रिंट मिलेगा। पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी टी शर्ट है ना वो हाफ एंड हाफ है, आप देख सकते हो ब्राउन और ऐसा बेज शेड में। ये 183 रुपीज की और मैंने इसमें मीडियम साइज मंगाया, मुझे प्रिंट इतना कूल लग रहा था। आप देख रहे हो जैसे उसने साइकिलिंग शॉर्ट्स पहने, सेम उसी तरीके के साइकिलिंग शॉर्ट्स मैं अभी पहन के बैठी हूँ। ये लुक बहुत अच्छा लगता है, जिम वगैरह में भी पहन जाओ कैजुअल भी पहन लो। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, छूने में बहुत सॉफ्ट है। ओ गॉड छी, देख रहे हो ये कितनी छोटी सी टी शर्ट है, इनका ओवर साइज का मतलब क्या हो गया, बस इन्होंने टी शर्ट को चौड़ी बना दिया। अब यहाँ देखना तुम यार मैं ये बोलना चाहती हूँ सिलने के बाद तुम ऐसे अपना ये आर्टिकल खुद नहीं देखते हो, कितना दुनिया जहान का वियर्ड लग रहा है ये कि इतनी चौड़ी किसी की छाती और उसके बाद आपने ये इतने नॉर्मल जो स्लीव्स होती हैं टी शर्ट की उतनी आपने यहाँ स्लीव्स दे दी हैं, ये किस एंगल से परफेक्ट ओवरसाइज टी शर्ट आप कहला रहे हो। मतलब मैंने एम साइज मंगाया तो ये आया है, अगर मैं एस मंगाती तो आप समझ सकते हो कितनी गंदी फिटिंग मेरी आ रही होती इसकी। फोटो में क्या दिखाया देखो ज़रा, और आया ये है, मतलब ये तो वही हो गया एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला सीन हो गया है। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, मैंने बहुत चाव से ये टी शर्ट खोली थी इस प्रिंट को लेके, यार ये बहुत बुरी लग रही है मेरे को। और ये ब्लैक वाला जो प्रिंट है ना ये इतना फाइन हुआ हुआ भी नहीं है, वाइट वाला तो चलो फिर भी थोड़ा थिक है। ब्लैक वाला अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ यहाँ से आप देख सकते हो कैसे लाइनें अंदर की दिख रही हैं, पूरा तमीज से प्रिंट भी नहीं हुआ हुआ है। ये बी पे भी आप देख सकते हो कैसा अंदर से पूरा स्किन कलर का वो दिख रहा है। आए हाय बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, फिर भी वियर करके आती हूँ। मैं इसके फैब्रिक को लेके भी कंफ्यूज और इसके यहाँ वाले फिट को लेके भी कंफ्यूज हूँ। आप देख सकते हो कैसा ये लग रहा है, बहुत उम्मीदों से मैंने इसको मंगवाया था लेकिन ये उतना ना मज़ा नहीं दे रही है। मैंने बहुत अच्छे से इसको स्टाइल नहीं, मतलब जैसे मैं वियर करती हूँ उस तरीके मैंने पहनने की कोशिश की, लेकिन स्लीव्स से आप देखो ना कितनी टाइट है, मतलब इतनी फिटिंग वाली स्लीव्स नहीं होती ना ओवर साइज की। और ये जो यहाँ से बिल्कुल आम हो रहा है ऐसा कपड़ा है ये इकट्ठा हो रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। तो मुझे ना इस टी शर्ट को पहनने में ही मज़ा नहीं आ रहा है और बिल्कुल भी ना इसका नेक स्ट्रेचेबल ही नहीं है, मतलब खींच ही नहीं रहा है। इस कलर में मुझे लगता है कुछ दिक्कत है क्या, ये इनके फैब्रिक में खींचता ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है ये गले से, बहुत बुरी लग रही है मुझे, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आई। बहुत डिज़ाइनर और ऐसे देख के मैंने ओवर साइज टी शर्ट मंगाई थी लेकिन गाइस ये ओवर साइज नहीं है, नॉर्मल ही टी शर्ट है जिस वजह से इस ओवर साइज की कैटेगरी में ही नहीं आई, इसलिए मैं ऐसे देती हूँ। अब एक नो नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी टी शर्ट है ना वो ब्राइट रेड कलर की है, उसको भी ना मैंने प्रिंट की वजह से मंगाया, पिक्चर में देखो
क्या प्रिंट लग रहा था, इतना सुंदर। मैंने साइज एम मंगवाया है और ये 235 रुपीज की है। देखते हैं आई कैसी है। देखो कलर तो बिल्कुल एग्जैक्टली ब्राइट रेडी आया है। प्रिंट जैसे हमने फर्स्ट टी शर्ट दिखाई थी ना पिंक वाली, ओकेश प्रिंट, वैसा सा प्रिंट है इसका। हे भगवान प्लीज ओवर साइज हो। हाँ ये कुछ ओवर साइज लग रही है, आप देख सकते हो आपकी स्लीव्स बिल्कुल ठीक लग रही है, चौड़ी सी है, लेंथ में ज़्यादा लंबी भी नहीं है। प्रिंट आप पास से देख सकते हो, आप समझ पाओगे कि मतलब क्या प्रिंट की क्वालिटी। बहुत ज़्यादा थिक वाला प्रिंट नहीं है लेकिन ठीक लग रहा है प्रिंट, कम से कम सेम तो आया जो प्रिंट दिखाया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रिंट लड़की ने वियर किया हुआ है ना वो इससे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है। ये प्रिंट ना बस इतने ही स्क्वायर एरिया में है, मतलब जो इसके पैर है ना वो पिक्चर में काफ़ी बड़े लग रहे हैं। तो प्रिंट तो हुआ सेम है लेकिन प्रिंट थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी सेम तो लग ही रहा है, सही लग रहा है मुझे, थोड़ा सही तो आया ही है। सॉफ्ट है फैब्रिक पहली बात तो, इस वाले फैब्रिक में गर्मी नहीं लगेगी, कलर बिल्कुल ब्राइट रेड है। चलो इसको फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो पहनी हुई टी शर्ट बुरी तो नहीं लग रही है, फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कलर भी ब्राइट रेड बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा लुक देख सकते हो कि पूरा ओवर साइज पूरा लुक इसका आ रहा है, जो मुझे बहुत इसका अच्छी बात लगी, प्लस पॉइंट लगा कि काफ़ी अच्छी लग रही है। प्रिंट आप देख सकते हो कि आपने टी शर्ट पहनी है तो कितने बड़े एरिया में, कितने छोटे एरिया में वो चीज़ प्रिंट हुई हुई कैसी दिखेगी। प्रिंट की क्वालिटी ओकेश है, ठीक है, क्योंकि इस वाइट पार्ट में ना उतना ज़्यादा प्रिंटिंग अच्छे से हुई हुई नहीं है। देखो अंदर हल्का हल्का से ऐसे फैब्रिक वाली चीज़ दिख रही है, इधर भी आप देख सकते हो। तो बस मुझे थोड़ा सा प्रिंटिंग बहुत वाओ नहीं लग रही है, लेकिन हाँ इतनी बुरी भी नहीं है इस प्राइस में अगर आपको ये टी शर्ट मिल रही है तो। बैक से भी आप देख सकते हो पूरी टी शर्ट का लुक कैसा है, कलर काफ़ी अच्छा लगता है रेड और ओवर साइज है पूरा, मुझे वैसे तो ठीक लग रही है। क्योंकि गाइस फैब्रिक सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ना पहनने में मज़ा आएगा, गर्मी नहीं लगेगी एंड स्टिचिंग अच्छी और फिटिंग अच्छी है। बाकी इतना कुछ दूर से देखने में ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, वो बहुत डिटेलिंग में अगर आप घुसो तो आपको पता चलेगा प्रिंट ऐसा है वैसा है, वरना तो ये मुझे टी शर्ट बिल्कुल ठीक लग गया है। उसके लिए मैं इसको भी देती हूँ अमजा, नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी टी शर्ट है ना गाइस, ये प्रिंट बहुत ज़्यादा मैंने देखा है पहने हुए, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कौन से ब्रांड का है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जिसमें नहीं मून चाइल्ड प्रिंट हुआ हुआ है, पता नहीं बॉन्कर्स का है, H&M का है या कहाँ का है, लेकिन ये है किसी का कॉपीड और ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये मैंने 252 रुपीज़ का लिया, मतलब 250 रुपये का लिया है, और मैंने इसका साइज़ M लिया है। अब देखते हैं आया कैसे, अगर इतना ही प्यारा ओवर साइज इसका फिट हुआ ना मज़ा आ जाएगा। फैब्रिक भी स्मूथ लग रहा है, प्रिंट ओकेश है, एम साइज में जो फिट मिल रहा है वो है ये, ठीक है, ठीक लग रहा है वैसे तो मुझे फिट। कलर भी टी शर्ट का ठीक लग रहा है। अब बात करूँ प्रिंट की तो प्रिंट भी पूरा मून चाइल्ड बड़ा बड़ा एग्जैक्टली सेम वही प्रिंट हुआ हुआ है, जो मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि जैसा पिक्चर में दिखाया था वैसा ही प्रिंट हुआ हुआ है। देखने में तो साइज़ का मतलब साइज़ भी उतना ही लग रहा है, बिल्कुल सेम कलर है, फैब्रिक बहुत स्मूथ है, स्टिचिंग सही हुई है, और आप प्रिंट भी देख सकते हो कि ठीक हुआ हुआ है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है प्रिंट। थैंक गॉड लग तो बिल्कुल सेम रही है, क्यूट सा कलर है, काफ़ी डिफरेंट सा। तो चलो इसको भी फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ। जैसा पिक्चर में दिखाई थी ना गाइस, ये एक्जैक्टली वैसी ही टी शर्ट लग रही है, अच्छा फैब्रिक, अच्छा प्रिंट, ओवर साइज, कलर इतना अच्छा लग रहा है मुझे इसका, आप देख सकते हो पूरा कहाँ तक की इसकी लेंथ है, कितना ओवर साइज आपको आने वाली है। अगेन मैं एक ही स्टाइल से पहनती हूँ, उसी स्टाइल से मैं आपको दिखा रही हूँ, मैक्सिमम मैं आपको दिखा दूँ कैसी लग रही है। कलर बहुत अच्छा है, ये जो मून चाइल्ड इस पर प्रिंट हुआ हुआ है ना ये भी बहुत क्यूट लग रहा है, मतलब कह सकते हो एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगी फैब्रिक में, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आ रही है ये टी शर्ट। मतलब यार कुछ टी शर्ट तो फिटिंग ही समझ आ रहा है, लेकिन कुछ आपको अच्छी मिल जाएंगी, तो अगर आप भी ढूंढ रहे हो प्रॉपर ओवर साइज, जो ओवर साइज ही हो, तो मुझे लगता है मेरे आज के हॉल में आपको वो टी शर्ट से मिल जाएंगी और अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसी क्या है और कैसी क्या, तो उस हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हो। गाइस मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जिस रीज़न से ये मून चाइल्ड आपको दे दिखाया था, मुझे आप नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी बहुत ही प्यारे से बेज कलर की स्टाइलिश ग्राफिक प्रिंट ओवर साइज टी है, आप पिक्चर में देख सकते हो, 170 रुपये की है। प्रिंट कितना अच्छा लग रहा है, मैंने इसको मीडियम साइज़ में मंगाया, मैंने एक भी टी शर्ट स्मॉल साइज़ में मंगाई नहीं है फॉर सेफर साइड, समझ रहे हो आप, मेरे को पहले ही कितना खौफ हो चुका था इस बात का। लेट्स सी देखते हैं, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लीज़ ये ओवर साइज हो क्योंकि इसका प्रिंट भी मुझे ठीक लग रहा है। धक 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 धक, देखा बोला था ना मैंने,
कुछ तो लोचा करेंगी। अब आप बताओ, ये एम साइज की टी शर्ट है, अगर मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगाया होता ना तो गाइज ये टी शर्ट फिटेड आती, मुझे फिटेड लिखा है ओवर साइज, और आप दे नॉर्मल टी शर्ट रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ये? देखो जरा, हमने प्रिंट बिल्कुल सेम बनवाया है, ठीक है, जैसा पिक्चर में दिखा रहा है, कलर सेम है, लेकिन दिस इज नॉट ओवर साइज। 170 रुपए की टी शर्ट है, ठीक है भाई, घर में पहनने के लिए कुछ भी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना, क्या सोच के हमने मंगाया है, वैसा लुक आएगा, वैसा तो नहीं आया, उसका बिल्कुल 50% वाला लुक है, 50% वाला, देखने में तो वही है, फैब्रिक इज ओके, स्टिचिंग भी ठीक है, लुक से कॉम्प्रोमाइज हो गया है थोड़ा, फिर भी वेयर करके और बताती हूँ कैसा लग रहा है, बाकी आप पहनने के बाद खुद ही समझ जाओगे। ये टी शर्ट तो मुझे पसंद ही नहीं आई, मतलब मैं सर से भी घुसा रही थी ना तो ये मुझे इतनी टाइट हो रही थी, लाइक स्ट्रेचेबल ही नहीं है, घुस ही नहीं रहा था मेरा सर कि मेकअप वेकअप भी खराब हो जाए, और लुक देखो आप इसका कैसा सा सीधा सा लुक है, ओवरसाइज कहीं से, आउच चोट लगी हुई है मेरे हाथ में, ओवरसाइज कहीं से भी नहीं है, और ये लग कैसी सी दी है, प्रिंट भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, देखो यहाँ से क्या फिटिंग है, स्लीव्स कैसी आ रही है, मतलब बिल्कुल भी ओवर साइज की कैटेगरी में ना ये टी शर्ट आती ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, बैक से भी आप देख सकते हो कैसी लग रही है फिटिंग इसकी, ये ओवर साइज की कैटेगरी में नहीं आती, नॉर्मल जो दिखाया है वैसा बिल्कुल भी नहीं आई, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। अब इग्नोर फ्रॉम माई साइड, नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, लास्ट जो हमारी टी शर्ट है वो है 183 रुपीज का, जरा प्रिंट पे देखो क्या लिखा है, दी एंड, इसका मतलब है कि ये हमारे इस हॉल की लास्ट टी शर्ट है, और मेरी फिंगर्स क्रॉस है कि गाइस ये ओवरसाइज होनी चाहिए, पिक्चर में लड़की के शोल्डर स्लीव्स पे देखो कहाँ कितना परफेक्ट आ रहा है, और डी एंड लिखा हुआ है, हाँ एम साइज मैंने मंगाया है, कलर है कॉफ़ी ब्राउन आया तो हो रही है, कलर देखने में प्रिंट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, टी शर्ट भी क्वालिटी सॉफ्ट है, आपको क्या लगता है ओवरसाइज होगी या नहीं होगी, बताओ होगी या नहीं होगी, 2 सेकंड का ब्रेक दे रही हूँ, बताओ होगी या नहीं, कमेंट करके आओ, तो चलो मैं दिखाऊँ आपको, क्या कहते हो ये ओवरसाइज है या नहीं है, ठीक है, बैक से आप देख सकते हो, फ्रंट से आप देख सकते हो, इसका फैब्रिक जितनी मैंने टी शर्ट दिखाई है उससे तो थोड़ा पतला है ही, और थोड़ा स्ट्रेचेबल सा भी है, प्रिंट आप देख सकते हो, प्रिंट की क्वालिटी नाइस है, अच्छा प्रिंट हुआ हुआ है, और आप ये है टी शर्ट, मुझे ओवरसाइज तो लग रही है, लेंथ वाइज छोटी ओवरसाइज लग रही है, कलर बहुत अच्छा है ब्राउन, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, सही लग रही है मुझे, एटलीस्ट जो मैंने पहले पहनी है टी शर्ट बिल्कुल छोटी छोटी वैसी तो ये नहीं लगेगी, और रेट के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, चलो इसको मैं फटाफट से वेयर करके आती हूँ। गाइस द एंड, ये है हमारी लास्ट टी शर्ट, और आप देख सकते हो इसका फिट कैसा है, फैब्रिक कंपेरेटिवली बाकी टी शर्ट से इसका थोड़ा सा पतला है, लेकिन मुझे लगता है गर्मियों में ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगेगा, प्रिंट की क्वालिटी भी अच्छी है, बाकी आप देख सकते हो मैंने जिस तरीके से इसको पहना है तो कितना ओवरसाइज, कितनी लेंथ, और ये कैसा आएगा, ठीक है, आप बैक से भी देख सकते हो कि लग कैसी रही है, बैक से एंड फ्रंट से मुझे ठीक लग रही है, फैब्रिक थोड़ा सा पतला है लेकिन मुझे लगता है गर्मी में ये चीज़ चलेगी, कलर भी डार्क है, सी थ्रू तो है नहीं, प्रिंट भी सही लग रहा है मुझे, तो उस हिसाब से सब कुछ देख के तो मुझे बुरी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है, पहन के भी फिटिंग वगैरह ठीक ही आ रही है, ओवर साइज तो लगी रही है जिन सब रीज़न से, मैं इसको भी देती हूँ थम्स अप। सो गाइज दैट्स इट, ये थी मेरी आज की वीडियो, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या मीशो पे ओवर साइज टी शर्ट्स दिखाते हैं तो उनका कैसा क्या फिट आएगा, क्या लुक आएगा, क्या मटेरियल होगा और कैसी रहने वाली है ओवर साइज टी शर्ट। मैंने मोस्टली जो बिल्कुल ट्रेंडिंग वाली ओवर साइज टी शर्ट और रेटिंग वाली ओवर साइज टी शर्ट थी ना, वही सारी ऑर्डर करके पूरा हॉल बनाया। आई होप अब आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आज का हॉल कैसा लगा, आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया मिला या नहीं मिला, तो आप क्या खरीदना चाहोगे क्या नहीं। मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ आप सबके लिए शॉपिंग को थोड़ा और ईजी बनाने की, आपको पता चल जाए कि जो आप परचेज करने वाले हो वो कैसा रहने वाला है। और मैंने काफ़ी सारी टी शर्ट तो अपने मेनली अपने लिए मंगवाई थी घर में पहनने के लिए, कि ढीली टी शर्ट और ऐसे शॉर्ट्स पहन के बैठे रहो, या जिम भी जाना है ना तो बिल्कुल अब टाइट फिटेड चीज़ें नहीं पहनी जाती इतनी गर्मी में, तो मैंने तो यही सोचा था ऐसे शॉर्ट्स और ढीली टी शर्ट पहन के ही जिम जाऊँगी। अब मुझे
कुछ तो अच्छी मिली और कुछ तो आपको पता ही है कैसे उनके रिव्यू हुए हैं, क्या उनका फिट गया है, तो मैं उनको वियर ही नहीं करूंगी। तो बस अब आपके सामने है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो देखते हो तो लाइक भी तो कर जाया करो, पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते, मुझे तो समझ ही नहीं आता है क्या चला जाता है आप लोगों का अगर आप वीडियो लाइक कर दोगे। बाकी अभी आधी रात हो रही है, मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा फंबल और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। कैमरे के पीछे जो लोग बैठे हैं मुझे लगता है वो भी आधे सोए गए हैं, थोड़ी देर में बस क्योंकि धूम से कैमरा ना गिर जाए, तो बस बहुत हो गई है बकबक। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, इसी तरह मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहिए, मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए, तो थोड़ा ढेर ढेर सारा प्यार दो क्योंकि मुझे बटोरने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो भर भर के कमेंट्स कर देना। ओके गाइस, चलो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू, ढेर सारी चुम्मियाँ एंड गुड नाइट। मैं तो जाने वाली हूँ सोने।